शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा पर इस साल चंद्र ग्रहण लग रहा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद के सामने खीर रखना अच्छा होता है। साथ ही मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखी खीर अमृत समान होती है। वही इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या नहीं। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें? शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। ऐसे में इस साल धन की देवी से मन चाहा आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में देवी लक्ष्मी की फोटो के सामने पान और सुपारी अवश्य चढ़ाए। शरद पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र को विधि विधान से स्थापित कराकर उसकी पूजा करें और साथ ही श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी स्रोत का पाठ भी करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या ना करें? शरद पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज मांसाहार आदि नहीं खाना चाहिए। इस दिन दूध ना तो खरीदना चाहिए और ना ही बेचना चाहिए। इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहण लग रहा है तो खीर चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय की रोशनी में रखने के बजाय माँ लक्ष्मी के सामने ही रख दे और अगले दिन परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दे और खुद भी ग्रहण करे। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 पर शुरू होगी। साथ ही अगले दिन 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर इसका समापन होगा। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:54 से लेकर 9:15 तक। चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 1:28 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 1:28 से लेकर 2:52 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:52 से लेकर 4:16 तक।